अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आइए जी बैठिए प्लीज। हजूर आप इधर आइए, आप इधर आइए, एक पास आप इधर आइए। आपको अलग अलग इसलिए बिठाया कि आप इकट्ठे बैठते तो आप लोगों को नजर लगती। मैं आपको देखकर भी ये सोच रहा था कि हम इकट्ठे बैठ जाएंगे तो ये अच्छा, ये बीच में एक ब्रेक कर रहे हैं। आपने रंग की वजह से सोचा, मैंने सोचा नजर ना लगे। आप दोनों खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये इसे बिल्कुल ये समझिएगा कि इत्तफाकन ऐसा हो गया है, हम बहुत अलग अलग जगहों से दूसरे को देख के हम बहुत महसूस कर रहे थे कि हमने एक जैसे ही कपड़े पहने। ऐसी कोई हमने कोई प्लान करके ऐसा नहीं किया, बिकॉज ये अलग जगह से आ रहा है, मैं अलग जगह से आ रहा हूँ, इसलिए। बेटे की तरबियत ज्यादा मुश्किल लगी या किरदार करना और एक्टिंग करना ज्यादा मुश्किल लगा? असल में मेरा ख्याल है कि जिंदगी है ही मुश्किल चीज ही। सही बात है, ये कोई इतनी आसान तो है नहीं। इंसान अपने लिए आसानियाँ खुद पैदा करता है और मुश्किलात भी खुद ही खड़ी करता है। आजकल जो दौर है इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, पिछले वक्तों में बहुत आसानियाँ थी क्योंकि इतनी दौड़ नहीं थी। सही, सही। इतनी तलब नहीं थी शायद। तो किरदार तो मुश्किल है ही जी। तो एक तरबियत भी एक किरदार का हिस्सा है। वाह, अच्छी बात की, ये भी किरदार का हिस्सा है। वाँ, वाँ, वाँ। अच्छी बात। पहले तो आपका अपना किरदार वैसा होना चाहिए। सही बात है। जिसके बाद आपने तरबियत करनी है। अगर मेरा अपना ही कोई किरदार नहीं होगा तो मैं अपनी औलाद की तरबियत क्या कर सकता हूँ। अच्छा वसीम साहब, आप जैसे माशाल्लाह से मंझे हुए अदाकार और अभी आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, अजय आप जब भी एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि यही कैरेक्टर होगा, लिखने वाले ने भी इन्हीं को देख के ही लिखा होगा, वो इतनी जबरदस्त। आपकी जो स्ट्रगल थी, क्या आपको लगता है आपके बेटे की भी वैसी स्ट्रगल आपको नजर आती है कि जितनी आपने स्ट्रगल की थी, अली भी वैसी स्ट्रगल करें, क्योंकि आप टाइम और है, चैनल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। देखिए मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे वालिद का ताल्लुक भी शोबिस से था। जी जी। और मेरे खानदान के बहुत सारे हजरात जो हैं वो शोबिस से ही उनका ताल्लुक था। मेरे चचा, मेरे मामू बहुत बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े डायरेक्टर्स में, फिल्म के बड़े डायरेक्टर्स में उनका नाम हुआ है। और राइटर भी थे, स्पेशली स्क्रीन प्ले राइटर। और मेरे वालिद का ताल्लुक भी इससे था। बट बाखुदा मैं बिल्कुल, जितने लोग मेरे करियर के बारे में जानते हैं सबको इस बात का इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने अपने वालिद से किसी मकाम पर अपने लिए सिफारिश नहीं करवाई, बिल्कुल। वाह। और बल्कि इससे एक छोटा सा वाक्या मंसूब है, वो मैं बता देता हूँ। हमारे लाहौर सेंटर के जनरल मैनेजर थे, वो मेरे वालिद के बहुत करीबी दोस्त थे, तो मेरे घर पे आया करते थे वो। जब मैं काम करने के लिए निकला तो मैंने अपने वालिद से कहा कि जी ये कमर आफ्ताब साहब आपके बहुत दोस्तों में से हैं, तो मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो आप मेरी सिफारिश कर दें। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो मैं एक बार इनसे कहूंगा, दूसरी बार नहीं कह सकूंगा। उसके बाद अगर तुम में कुछ होगा तो तुम्हें बुलाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर बार बार मेरे कहने पर नहीं बुलाएंगे। तो यार पहली बार भी मुझसे क्यों कहलवाते हो, खुद ही निकलो। कुछ होगा जो है ना जी, उसके बगैर तो मजा नहीं है जिंदगी में। आपने थोड़ा अचीव किया है या ज्यादा अचीव किया है, स्ट्रगल के साथ करें तो ही मजा है। और मैं भी आज तक कभी इसके किसी प्रोफेशनल मामले में, पूरी फील्ड को पता है, इतना सा भी नहीं बोला। इसकी अपनी चॉइस है, लोगों की चॉइस है। मैं बल्कि एक प्ले को डायरेक्ट कर रहा था अभी रीसेंट पास्ट में, तो कास्टिंग जब उसकी हो रही थी तो मैं डिफरेंट लोगों को सजेस्ट कर रहा था कि इसको हम रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, और एक कैरेक्टर ऐसा था जो इसको सूट करता था, लेकिन बखुदा मैं इसका नाम नहीं ले रहा था। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि जी आप फलां का नाम भी ले रहे हैं, फलां का नाम भी ले रहे हैं, तो आप इसका नाम क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा भाई ये मैं नहीं ले सकता, ये अगर आप मुझे रेकमेंड करेंगे तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लूं, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये खुद ही करता है जी जो भी। आई थिंक बीइंग अ स्टार सन, जो कि ये भी हैं, मैं भी हूँ, उसके फवायद कम है, नुकसान ज्यादा है। प्रेशर मेरे ख्याल से काफी ज्यादा प्रेशर होता है। डे वन से आपसे वो एक्सपेक्ट किया जाता है जो ओवर थ्री डेकेड्स एक इंसान ने अचीव किया हुआ है। बिल्कुल। और आप ऑब्वियसली उसको मीटअप नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम लगता है, तीन साल में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस को आप उस एक्सपीरियंस के साथ मैच करें, इनका
मुकाबला करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होता है ना कि बाप अगर स्टार है तो जब बेटा आएगा तो उसकी पहली परफॉर्मेंस ही बस बाप की छाप के ऊपर एक और छाप लग जानी चाहिए। लोग एक्सपेक्ट कर रहे ये होता है कि अगर आप बहुत से एक्टर्स उनके बच्चे नहीं उस तरह काम कर सके तो यार वो नहीं कर सके बेचारे, और अगर कोई कर जाता है तो उसको कहते हैं इसके तो खून में था ना, इसने कमाल थोड़ी कुछ किया है, तो क्रेडिट आपको कहीं पर भी नहीं मिलता, वो आपके जीन्स और आपके खून को चला जाता है क्रेडिट। आपके वाले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने जितने साल और माशाल्लाह ताला गुजारे हैं, इन्होंने सिर्फ नाम नहीं पैदा किया, इन्होंने अपना किरदार भी पैदा किया है, उसको भी मीट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है। आजकल तो जिस जमाने में से आप गुजरे हैं, लोग व्हाट्सएप के लिए लोगों को हायर करते हैं, और मैंने बहुत से बुजुर्ग देखे हैं ऐसे जी, वो पैसे देते हैं कि हमारी इतनी 5,000, 10,000, 20,000 व्हाट्सएप जो है वो रोज डाली जाए, तो फिर वो 3-4 महीने में प्रमोट हो जाते हैं कि जनाब ये बड़े दानिश्वर हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जब इस जमाने में आप चल रहे हो तो नाम बनाना तो बड़ा मुश्किल होता है। और एक और बात मुझे ये फील होता है, बिकॉज मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इस सारी चीज को, अब इनके जैसे नाम पैदा करना भी मुश्किल है। एक्टर तो दूर की बात है, वो नाम भी नहीं बन सकते क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है उस तरह। जैसे पीटीवी के दौर में हर क्वार्टर में कराची, लाहौर, पेशावर से एक एक क्वालिटी प्ले आता था और हमें पता होता था कि बाकी इसमें स्क्रिप्ट भी देखें, उसमें एक एक डायरेक्शन जो मेरे ख्याल से रिहर्सल्स थी वो आप में इतनी पुख्तगी डाल देती थी, वो नजर आती थी। अच्छा खैर, हम तो ड्रामों की बातों में लग गए, हमने बाप बेटे के बारे में ज्यादा बात की थी। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दोस्त, बल्कि मुझे कभी कभी लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, इतने फ्रेंडली हैं। ये सास आपको अम्मा कराती है, खुद होता है? नहीं, अम्मा करवाती हैं, अम्मा थोड़ी सी मिजाज में सख्त हैं, वो जो आमतौर पे अब्बा का किरदार होता है वो हमारी अम्मा निभाती हैं। किसी को तो करना है ना घर में, अब्बा जी अब्बा ने हमें पैम्पर किया हुआ है, लेकिन अम्मा भी करती हैं, लेकिन वो जरा सी सख्ती जो है वो अम्मा की तरफ से आई है, अब्बा की तरफ से कभी भी बचपन में। इस दोस्ती का फायदा होता है, नुकसान भी होता है और फायदा भी, क्योंकि ज्यादा बातें पता चल जाती हैं तो वो कोई ऐसी बात जो अब्बा ने कहा हो कि यार ठीक है तू कर तो रहा है लेकिन तू ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जाहिर है वो भी इसी प्रोफेशन से हैं जिसमें आप एक्टिंग एक्टिंग के बारे में तो ये भी कहा था कि ये आपने पहली बात की है ना कि तू कर रहा है तो ठीक है, ये भी नहीं कहा गया था। स्पेशली बिकॉज माय फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स वर रियली स्ट्रगलिंग फॉर मी, I had a lot of struggle and I don't think के लोगों को पता भी था कि मैं इनका बेटा हूँ, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि मैं इनका बेटा हूँ। वो जो ज़्यादा कंपनी में बैठते थे फिर किसी ने कह दिया कि ये उनका बेटा है तो वो पता चलता था, तो वो उस टाइम पीरियड में मुझे नज़र आता था, मुझे अपने ज़्यादा इनकी परेशानी होती थी कि ये बहुत परेशान है मुझे देख के। तो वो टाइम था जब मैं खुद भी रिग्रेट करता था कि यार मुझे शायद वकील ही बन जाना चाहिए था, शायद CSS को ही ज्यादा परसू कर लेना चाहिए था। जो अपनी जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले करोगे वो फैसले अकेले करोगे या वालिद के मशवरे से? नहीं जी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो चीज़ अगर यहाँ से उठाने वाला भी अगर मुझे लगता है कि बड़ा फैसला है और मैं उठा सकता हूँ तो वो भी पूछ कर बता कर ही किया है। अब तो माशाल्लाह से अब ये एक अच्छे बड़े मकाम पे पहुंच गए, ही इज अ स्टार हिमसेल्फ, सो अब आप जब देखते हैं तो आप प्राउड तो फील करते होंगे, एक्सप्रेस करते हैं इनसे? देखिए, अभी तो इसने बहुत जिंदगी में अचीव करना है, अभी तो आई थिंक ही इज जस्ट अ बिगिनर, अभी तो कुछ पता नहीं मुझे। हर एक्टर की दो तरह से बिलाल साहब तारीफ होती है, एक आम व्यूअर करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर एक्टर कुछ भी नहीं है, और एक क्रिटिक्स करते हैं जो कि अमूमन आपके को स्टार्स होते हैं, आपके डायरेक्टर्स होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। आपने दोनों को अल्लाह ताला की करम नवाजी और रहमत के बाद दोनों को मनवाना है इस बात पे, आपने उन्हें सेम पेज पे लेके आना है कि एक एक जो एक जनरल व्यूअर है वो और आपके को स्टार्स जो हैं वो मुतफिका तौर पर इस बात पर सेम पेज पर हों कि यार ये काम करना जानता है। सो अभी तो इसने बहुत कुछ अचीव करना है जी, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इंसान को अपनी सक्सेस से ज्यादा अगर किसी की सक्सेस का मजा आता है तो वो सिर्फ औलाद होती है और कुछ कमाल है। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की। अली जरा मैं क्यों चाहती हूं, मुझे ये बताएं कि अभी क्योंकि रमजान का महीना है, आप लोग इस पर ज्यादातर आपके लाहौर में गुजरता है रमजान या फिर कराची में गुजरता है? नहीं, कराची में ही गुजरता है ज्यादा। लाहौर की क्या चीज मिस करते हैं? काम यहीं पे है, काम अब तो ऑलमोस्ट ये तो खैर परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट ही हो चुका है और मैं भी समझे शिफ्ट ही हो चुका हूँ क्योंकि साल में अब 11 महीने कराची में ही गुजरते हैं। क्या चीज़ आप सबसे ज्यादा वैसे मिस करते हैं, क्योंकि एक चीज़
मैं भी जब कभी बैठी होती हूँ दस्तरखान में इफ्तार के दस्तरखान पे, तो मैं अपनी बचपन की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ. सहरी में अम्मी के हाथ की चूरी बहुत याद करती हूँ. तो आप ऐसी क्या चीज़ें जो पुरानी अगर आप याद करते हैं तो कौन सी चीज़ें होती हैं? वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है कि वो आप जब मेरी वालदा हयात थी, अल्लाह करीके रहमत करे, तो उनके हाथ का पराठा और वो सहरी का अहतमाम और अफ्तारी का अहतमाम, उसे तो आप सारी ज़िंदगी मिस करते ही करते हैं.